चलते हैं लाइव अलवर, जहां अमृत महोत्सव और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। झुंझुनू अकादमी के विद्यार्थी भी यहां मौजूद हैं, माता बहनें मौजूद हैं। तो ये कार्यक्रम, जैसा कि रामचरण राग जो मेरे भाई बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, और मैं समझता हूँ कि 85 और 84 के समय में मैंने रामचंद्र जी ने, राजेश याज्ञिक जी, मुकेश बावलिया और बहुत सारे साथियों ने अलवर से बहुत सारे आंदोलन किए, जिनमें एक हिंदी आंदोलन भी रहा, भ्रूण हत्या को लेकर भी आंदोलन रहा। उन आंदोलनों में रामचंद्र जी हमारे साथ दिल्ली तक साइकिल से भी गए। आज वो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं रामचंद्र जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान ज्ञानेश्वर जी तिवाड़ी, बहुत सारे हमारे आदरणीय लोग यहाँ हैं, परम श्रद्धेय और हमारे आदरणीय कंवर साहब ब्रजेंद्र जी भारद्वाज हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, A1 टीवी एक सैटेलाइट चैनल है, 7वां वर्ष A1 टीवी को चल रहा है। हम सब लोग पत्रकार लोग, एक पत्रकारों का चैनल, और जैसा आपने उस चैनल का मिजाज भी देखा होगा, हमारी सोच है कि जैसा चैनल होना चाहिए देश में, ऐसा चैनल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई आप सीधे रास्ते से काम करते हैं तो उसमें तकलीफ जरूर आती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सत्य को आप प्रताड़ित कर सकते हैं लेकिन परास्त नहीं कर सकते। ये सिद्धांत आदिकाल से चला आया है। जीत सत्य की ही होती है, अच्छे लोगों की ही होती है, कमियां हम में भी हो सकती हैं, मानव हैं, लेकिन पत्रकारिता में एक ऐसा प्रयास है कि सकारात्मक ढंग से, एक पॉजिटिविटी के माध्यम से हम खबरों को प्रकाशित करें। हमारी भी एक जिम्मेवारी होती है कि राष्ट्र के आह्वान पर जब हिंदुस्तान की सभी पार्टियां, हिंदुस्तान के सभी लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हमारे चैनल की तरफ से हम इस मौके पर एक राष्ट्रभक्ति कवि सम्मेलन आयोजित करें, जो आज एक ऐसा पुनीत अवसर, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की वर्षगांठ है। वर्षों पहले आज के ही दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान हमारे राष्ट्रपुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो किया, और आज हम खुली हवा में ये जो सांस ले रहे हैं, आजाद भारत में हम सरकार चुनते हैं, हमारी बनाई हुई सरकार, हमारे बनाए हुए प्रधानमंत्री शासन करते हैं, देश को आम जनता के वोट से चलाया जाता है। ऐसे भारत का निर्माण हमने आज के दिन के आह्वान के आधार पर ही, मैं समझता हूं, किया है। हमारे बहुत ही गुणीजन, हमारे आज के बहुत ही आदर के योग्य अतिथिगण आए हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने जिक्र किया कि हम सकारात्मक और एक अच्छे मार्ग पर चल के पत्रकारिता करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आप लोगों का बड़प्पन है। मैं बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी ये मूर्ति बैठी है, हम जब भी इनके पास जाते हैं चैनल के लिए भी और सामाजिक कार्यों के लिए भी, जैसे अब रामलीला का अवसर आ रहा है, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भीड़ वाली रामलीला आपके अलवर में होती है, शिवाजी पार्क में, आप सब जानते हैं, तो उसका आयोजन भी आप लोगों के सहयोग से ही होता है। तो मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ के जो भामाशाह हैं, हमारी धरती पर जो लोग उद्योग लगाकर, जो लोग शिक्षा के जगत में, या जो लोग समाज के एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं, वो लोग कभी हमें मना नहीं करते, उल्टा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप अच्छा कार्यक्रम करिए। हमारे बीच देवांश फाउंडेशन से भी हमारी बहनें आई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो मेरा जो निवेदन है वो ये है कि A1 टीवी को भी आप लोगों ने जो सहयोग इस आयोजन में किया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
हम सबकी भावना इसी तरह बनी रहे। मैं आपके बीच में और राष्ट्रीय स्तर के कवि भाई योगेंद्र जी के बीच में, योगे और वशिष्ठ जी के बीच में मैं ज्यादा उपस्थित नहीं रहना चाहता, क्षमा चाहता हूं, मैंने कुछ आप ज्यादा समय ले लिया। बहुत आनंद आएगा, आप पूरा कवि सम्मेलन सुने, ज्यादा लंबा नहीं है हमारे बीच, केवल हमने रखा ही इस तरह का ये कवि सम्मेलन है कि हम एक कवि को बहुत मन भर के जी भर के सुने। भाई साहब रात को गुवाहाटी थे और मैंने जब टेलीफोन किया तो बहुत ही विनम्रता के साथ आपने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। आज सुबह फ्लाइट पे बैठे और जयपुर आए, जयपुर से आप यहाँ हमारे बीच पधारे, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ से काव्य पाठ के ठीक बाद आप ऋषिकेश में भारत की पवित्र धरती गंगा के चरणों में जाकर कविता पाठ करेंगे। यहाँ भी आप काव्य धारा की गंगा बहाएंगे, वीरस की गंगा बहाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। हम सब लोग इनको सुनेंगे। मैं मंच रामचरण जी को सौंपता हूँ और आपको बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाई है कार्यक्रम की, A1 TV परिवार की ओर से और झुंझुनू डिफेंस अकादमी की ओर से और हमारे सभी प्रायोजकों की ओर से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक तीन गेस्ट हैं, मैं हाँ, उनके नाम हाँ, हाँ। आप आ जाएं ऊपर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्याम शर्मा जी। मित्रों, श्याम जी से परिचय का संदर्भ उन्होंने यहाँ रखा और मेरा उनसे परिचय वास्तव में बहुत पुराना है, 1985-84 के आसपास से। और मेरा मानना है कि श्याम जी शुरू से ही एक क्रांति धर्मी चेतना के वर्तमान में वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक दृष्टि लेकर के, राष्ट्रीय चेतना संपन्न दृष्टि लेकर के वो पत्रकारिता जगत में अपनी उपस्थिति, अपनी दखल रख रहे हैं। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ में तमाम अतिथियों का व्यक्तिशः नाम लेकर के और बड़े गौरव के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में सबका सम्मान किया। मैं पुनः भाई श्याम जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। प्रार्थना करूंगा, कृपा मंच पर पधारें इन वीरांगनाओं का सम्मान करने के लिए जो वीर देश पर शहीद हुए। 1962 से लेकर के 2003 तक की सूची हमारे पास है। अलवर तहसील की वीरांगनाओं का आज इस ऐतिहासिक दिन पर हम सम्मान करने जा रहे हैं। एक बार पुनः मेरा विनम्र निवेदन, सभी अतिथि कृपा मंच पर पधारें, मेरे निवेदन को स्वीकृति प्रदान करें। आदरणीय चाचा साहब, आदरणीय गुर्जर जी, मैं मुख्य अतिथि आदरणीय तेजस्विनी गौतम मैम से मेरी गुजारिश, सभी से मेरी प्रार्थना, कृपा मंच पर पधारें। और मैं नाम पुकार रहा हूं बड़े सम्मान के साथ में, नायक नंदलाल जो शहीद हुए भारत चीन युद्ध में 1962 में, उनके परिवार से श्रीमती प्रकाश जी, प्रकाश देवी और आर के शर्मा उपस्थित हैं, तो वो कृपा मंच पर तुरंत पधारे। और इस सम्मान की घड़ी में हमारे साथी शॉल, श्रीफल और माला के लिए तैयार हैं। सभी अतिथियों से एक बार मेरी फिर प्रार्थना। नायक नंदलाल भारत चीन युद्ध में शहीद हुए, उनके परिवार से श्रीमती प्रकाश देवी और आर के शर्मा जी, इसके बाद में सिपाही रमेश सिंह का सम्मान ग्रहण करने के लिए आकाश शर्मा जी कृपा मंच पर बधा रहे। भारत चीन युद्ध में 1962 में जो शहीद हुए, बुला तो रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं। हाँ, सबसे पहले नायक नंदलाल जो भारत चीन युद्ध में 1962 में शहीद हुए, मैं उनके परिवार से आर के शर्मा जी और श्रीमती प्रकाश देवी जी, उनके पुत्र यहाँ आर के शर्मा जी सम्मान ग्रहण करेंगे अतिथियों से, शॉल, श्रीफल और हम सब मित्रों वीरों का सम्मान करेंगे तो देश का गौरव, देश की गरिमा बढ़ेगी। हम जोरदार तालियां बजा करके वीरों के सम्मान में शामिल होंगे। झुंझुनू अकेडमी की तरफ से इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है उनके परिवारजनों को,
उनके आश्रितों को 1,00,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया जाएगा। मित्रों, दूसरा नाम मैं पुकार रहा हूं शहीद रमेश सिंह के परिवारजन से, जो भारत चीन युद्ध में 1962 में काम आए, आकाश शर्मा जी। आकाश शर्मा कृपया पधारें और ये इनके पुत्र हैं, वो अपना सम्मान ग्रहण करें। 1962 में 18/11/1962 को भारत चीन युद्ध में इनके पिता शहीद हुए, ये गौरव का दिन है। इनके ताऊजी थे रमेश सिंह, सिपाही रमेश सिंह। इसके बाद में यदि यहाँ मौजूद हो लांस नायक सीताराम के परिवार से, उन्होंने भी भारत चीन युद्ध में 19 नवंबर को 1962 में वो देश के काम आए, शहीद हुए। उनके परिवार से यदि कोई आया हो तो कृपा मंच पर पधारें और मान्य अतिथियों के करकमलों से शुभाशीष लें और सम्मान ग्रहण कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। इसके बाद में नायक मेहरचंद जी के परिवार से कपिल उनके पौत्र आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपा तुरंत मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। कपिल जी से मेरी प्रार्थना, कपिल जी कृपया पधारें। नायक मेहरचंद जो भारत पाक युद्ध में 1965 में 24 अप्रैल को काम आए देश के, उनका हम सम्मान करें मान्य अतिथियों के करकमलों से शॉल सम्मान उड़ा करके। इसके बाद में गार्ड गुलाब सिंह के परिवार से मीना यादव जी पधारी हैं, मीना यादव जी कृपया मंच पर पधारें और सम्मान ग्रहण कर हमें गौरव प्रदान करें। बड़े आदर के साथ में मैं आवाज दे रहा हूं गुलाब सिंह के परिवार से, आदरणीय मीना यादव जी, भारत पाक युद्ध में 3 दिसंबर को 1971 में वो काम आए देश के। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ सवार बजरंग सिंह के परिवार से श्रीमती श्यामवती जी, यदि यहाँ उपस्थित हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कृपा मंच पर पधारें और ये सम्मान ग्रहण कर आज के इस ऐतिहासिक दिन को और गौरवान्वित करें। बड़े आदर सम्मान के साथ में मैं श्यामवती जी को आवाज देता हूँ। आदरणीय सवार बजरंग सिंह जी जो भारत पाक युद्ध में 18 दिसंबर को देश के काम आए सन 1971 में, मैं उनके परिवार से श्रीमती श्यामावती उनकी पत्नी यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आकर के मान्य अतिथियों से ये सम्मान ग्रहण कर आज हमारा गौरव बढ़ाएं। इसके बाद यदि यहाँ हवलदार पारस राम जी के परिवार से मौजूद हैं जो ऑपरेशन पवन में 1988 में देश के काम आए, उनके परिवार से श्रीमती कमला जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारें। और नायक प्रहलाद कुमार मीना जो ऑपरेशन रक्षक में 23 अक्टूबर को 1991 में काम आए देश के, उनके परिवार से श्रीमती गीता देवी जी यदि उपस्थित हैं तो उनसे मेरी प्रार्थना। इसके बाद में मैं राइफलमैन अशोक कुमार जी के परिवार से रामजी लाल जी पधारे हैं, उनके बड़े भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कृपा वो आए। मुंडिया खेड़ा चिकानी तहसील अलवर से राइफलमैन अशोक कुमार ऑपरेशन रक्षक में 8 अगस्त, आज के ही दिन, ऐतिहासिक दिन है ये हमारे लिए मित्रों, जोरदार तालियां बजाओ। 1992 में काम आए, उनके बड़े भाई रामजी लाल जी उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा मैं नाम बोल रहा हूँ इंजीनियर मुकेश कुमार, सिपाही मुकेश कुमार के परिवार से यदि कोई आया हो, कांता देवी जी यदि उपस्थित है तो उनसे मेरी प्रार्थना कृपा मंच पर आए। इसके बाद में सूबेदार टेकचंद जी से मेरी, टेकचंद जी जो ऑपरेशन रक्षक में 31 दिसंबर को 2002 को काम आए, उनके परिवार से सुमित्रा देवी जी, नरेंद्र सिंह जी कोई आए हैं तो मैं उनका नाम आदर के साथ में सम्मान के साथ में, हाँ, अलवर तहसील के ये वीरांगनाएं हैं जिनको आज हम सम्मानित करके इस ऐतिहासिक दिन पर स्वयं गौरवान्वित हो रहे, पूरा मंच गौरवान्वित हो रहा है मित्रों। इसके बाद सुमित्रा जी हवलदार भगवान साय जाट जिन्होंने ऑपरेशन पराक्रम में 2003 में 24 सितंबर 2003 में ऑपरेशन पराक्रम में अपनी शहादत दी, उनके परिवार से श्रीमती चिड़िया जी आई हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, आदर सम्मान के साथ में गर्व के साथ में मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आए और हमारे मान्य अतिथियों से उनके करकमलों से ये सम्मान ग्रहण करें श्रीमती चिड़िया देवी जी। इसके बाद में सिपाही श्री राम जो सेना मेडल से भी सम्मानित हुए, ऑपरेशन रक्षक में 25 नवंबर 1994 को सम्मानित हुए, उनके परिवार से श्रीमती लाडो रानी यदि उपस्थित हुई हो तो मैं उनका भी सम्मानित करता हूँ, लाडो रानी जी आए और सम्मान ग्रहण कर हमारा गौरव बढ़ाए। इसके ये कौन है, किनका है, हवलदार क्या नाम है, ये हवलदार कालू सिंह जो ऑपरेशन रक्षक में 24 जून, कलम सिंह होगा, हाँ, कलम, हवलदार कलम सिंह जी के परिवार से आदरणीय श्रीमती राजेश्वरी देवी जी उनकी पत्नी है, कृपया वो मंच पर पधारें।
और अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि हमारी वीरांगनाओं को अपने कर कमलों से अपनी शुभाशीष दें और शॉल श्रीफल माला भेंट कर उनका सार्वजनिक रूप से इस ऐतिहासिक दिन में सम्मान करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं आप सबका। एक बार जोरदार तालियां इन वीरांगनाओं के नाम, हमारे देश के शहीदों के नाम जिन्होंने देश के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। मैं उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं। मैं तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगा कृपा अपना स्थान ग्रहण करें बड़े आदर सम्मान के साथ में। आपने मेरे निवेदन को स्वीकृति दी और कविगण से मेरी प्रार्थना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जितने भी वार वीडियोस आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, आपको साथ में झुंझुनू डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो प्रशस्ति पत्र है वो प्रशस्ति पत्र तो है ही, साथ में एक सर्टिफिकेट भी है कि अगर आपके आश्रितों पर, आप पर आश्रित कोई भी बच्चा अगर इस डिफेंस एकेडमी में आना चाहता है तो 1,00,000 रुपये तक की बचत आपके बच्चे को, चाहे आप पर आश्रित कोई भी है उसको हम सर्टिफिकेट लेके आएगा, पूरा 1,00,000 रुपये तक का रेजिडेंशियल बच्चे के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, आप प्लीज इसे नॉर्मल प्रशस्ति पत्र ना समझें। सभी को लास्ट में सभी माताओं को जय हिंद और सभी को मेरा चरण स्पर्श, धन्यवाद। मित्रों, हमारे बीच में जो आज का कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था देश की इस अमृत बेला पर और अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में जो एक ऐतिहासिक दिन था और पूरे देश की, पूरी दुनिया जिस समय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी उस समय हम अपनी आज़ादी के लिए जूझ रहे थे मित्रों, और करो मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारा दिया गया। आज उसकी 80वीं वर्षगांठ है और पूरा देश देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। आज हमारे बीच में देश के लाडले और ओजस्वी वीरस के कवि, पूरे देश में एक बारूद के रूप में उनकी वाणी का ओस पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। हमारे बीच में आदरणीय योगेंद्र जी उपस्थित हैं और भीलवाड़ा से आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और जैसा मुझे जानकारी मिली कि सीधा वो गुवाहाटी कवि सम्मेलन से यहाँ पधारे हैं, हम जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अलवर के ओजस्वी कवि हरिओम पवार का रंग उनके तेवर में, उनकी वाणी में नजर आएगा। आदरणीय बड़े भाई योगेश वशिष्ठ जी जो जिला शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए आज दूसरे कवि के रूप में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी अपनी काव्यात्मक उपस्थिति प्रयास करूंगा।